अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम साजिद है। फाइनली दोस्तों, शाओमी की तरफ से न्यूज़ निकल कर आ रही है। शाओमी बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में अपने एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रहा है। 2022 की बात करें तो ये पहला स्मार्टफोन हमें शाओमी की तरफ से देखने को मिलेगा, जिसका जो नाम है दोस्तों वो रेडमी नोट 11S होने वाला है। अब इससे पहले हमें रेडमी नोट 10S भी देखने को मिला है। अब ये जो सीरीज़ है इसमें बहुत सारे स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, इवन के इतने ज़्यादा स्मार्टफोन्स हैं, नाम लेते हुए भी डाउट्स में रहते हैं इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस कौन सी हैं। खैर दोस्तों, अब एक और इस सीरीज़ में नए स्मार्टफोन का इजाफा होने जा रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा रेडमी नोट 11S में क्या कुछ बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कहाँ पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें रेडमी धोखा दे सकता है। तो वीडियो पसंद आ जाए लाइक कर देना यार, ना पसंद आए इसकी रीजन कमेंट करना, ताकि मैं अपनी वीडियो को उस लेवल पर लेकर आ सकूं जहां पर आप वीडियो पसंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शैतान आपको इस नए काम से जरूर रोकेगा। सबसे पहले स्मार्टफोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करें तो डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है, तकरीबन डिज़ाइन वही है जो कि इससे पहले लाइनअप में था। मैं यहाँ पर पिक्चर डाल दूंगा। इसके अलावा मोबाइल फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मोबाइल फोन की बैक आपको पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिलेगी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ, जबकि मोबाइल फोन का जो कैमरा बम्प है दोस्तों वहाँ पर फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी की गई है। यानी डिज़ाइन वाइज और मोबाइल फोन की बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखें तो मोबाइल फोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इंटरनल्स की बात करें तो 6.5 इंचज का यहाँ पर एक स्टैंडर्ड के साइज का आपको एमोलेड पैनल मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। इसके साथ मोबाइल फोन के फ्रंट में आपको पंच होल के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल सकती है, लेकिन मोबाइल फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं बल्कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 90 हर्ट्ज के साथ इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले मेरे हिसाब से अपने प्राइस बजट में काफ़ी अच्छा बन जाता है। इसके अलावा मोबाइल फोन की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है मीडियाटेक का हीलियो G96 का चिपसेट, जो कि गेमिंग चिपसेट है। लेकिन दोस्तों प्राइस टैग को देखें तो मेरा ख्याल है यहाँ पर चिपसेट इंप्रूव हो सकता था, इससे थोड़ा सा अच्छा चिपसेट लग जाता तो काफ़ी अच्छा हो सकता था। लेकिन G96 भी एक काफ़ी अच्छा चिपसेट है, गेमिंग चिपसेट है, तो आपको यहाँ पर PUBG वगैरह में परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मोबाइल फोन में अगर हम बैक के कैमरा सेटअप की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और बाकी के दोनों लेंस यहाँ पर 2 मेगापिक्सल के शामिल किए गए हैं। 108 और 8 मेगापिक्सल तो ठीक है, लेकिन बाकी के ये दो लेंस रेलू कट्टे शामिल कर दिए गए हैं, इनकी परफॉर्मेंस आपको जीरो ही देखने को मिलेगी। खासतौर पर अगर हम मोबाइल फोन के मैक्रो लेंस की बात करें तो भाई लो लाइटिंग कंडीशन में ये जो लेंस है आपको 2 मेगापिक्सल का कोई परफॉर्मेंस नहीं देगा, बिल्कुल जीरो होने वाली है। और इसके अलावा एक और जो दिलचस्प बात है दोस्तों, इस स्मार्टफोन में यूज़ किया जा रहा है मीडियाटेक हीलियो G96 जो कि 4K को सपोर्ट ही नहीं करता, और यहाँ पर आपको लेंस कौन सा मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल। अब मेरी समझ से बाहर है दोस्तों, ये 108 मेगापिक्सल पर हमें 2K की रिकॉर्डिंग देने वाले हैं, यानी आपको यहाँ पर चूना लगा दिया जाएगा, यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का सेंसर है। अगर वो 4K को सपोर्ट ही नहीं करता तो फिर आप 64 ही लगा दो यार, कम अज़ कम हमें एक अच्छी रिकॉर्डिंग तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो आपको यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का बोलकर लॉलीपॉप दे दिया जाएगा। खैर दोस्तों, फ्रंट आपको बता चुका हूँ 16 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा रैम रूम वेरिएंट की बात करें तो यहां पर आपको 6GB 128GB का एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ यहां पर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज भी मिल जाएगी। और यहां पर बैटरी सिचुएशन की बात करें तो 5000mAh की काफी बड़ी बैटरी है और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी है। अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहा दोस्तों, जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बैटरी लाइफ भी आपको यहां पर काफी अच्छी मिल रही है और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी एक्सेप्टेबल है, बल्कि स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट है। तो मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई और ऐसी स्पेसिफिकेशंस नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। जैसे ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा डिटेल से हम इस स्मार्टफोन को तभी टेस्ट करेंगे। अभी के लिए स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी एवरेज है, लेकिन अगर इसकी प्राइस अग्रेसिव आ जाती है, बाय द वे शाओमी अपने स्मार्टफोन को अग्रेसिव प्राइस पर ही लॉन्च करता है, आई होप कि इस
स्मार्टफोन भी काफी अच्छी प्राइस पर आएगा। अब इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल कर आ रही है दोस्तों वो 40,000 के अराउंड अबाउट कहीं पर आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है Xiaomi स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 35,000 के प्राइस टैग में लॉन्च कर सकता है। अगर इस प्राइस बजट में ये स्मार्टफोन आ जाता है तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। इवन के इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद अगर ये इसी प्राइस पर आता है तो कॉम्पिटिशन मिड रेंज सेगमेंट में काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। स्मार्टफोन काफी अच्छा है तो आपको इसका वेट जरूर करना चाहिए। जहां तक बात दोस्तों लॉन्च डेट की है तो मेरा ख्याल है Xiaomi स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट से या फिर सेकंड या थर्ड वीक तक फरवरी के लाजमी लॉन्च कर देगा, क्योंकि इससे पहले हमें Xiaomi की तरफ से कोई और स्मार्टफोन लॉन्च होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पर Xiaomi Redmi 9i नहीं आता तो मेरा ख्याल है ये स्मार्टफोन आ सकता है, तो स्मार्टफोन काफी अच्छा आपको वेट करना चाहिए। आज की वीडियो में इतने दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना यार, नहीं पसंद आई इसकी रीजन कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।